सैंडविच केक जो आइसक्रीम हमने बनाया है ये हम डाल के दे रहे हैं भाईजान को, ये हमें टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बना है। ये सिर्फ आप जब भी डिश आउट करें प्लेट में डालें तो इसको डालें, आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा। ले जी आप खा के बताएं भाईजान कि ये सैंडविच आइसक्रीम केक जो है ये कैसा बना है। इसके ऊपर बहुत मेहनत लगी है और ये बहुत ही सस्ते चीज मतलब बन गया है, ये $20 में पूरा आइसक्रीम केक बन गया है। वाओ वाओ कैसा बना है? मैं कह रहा हूँ एक तो बात ये है कि मैंने पहली दफा खाया ऐसा केक। अच्छा, इतना अच्छा है ये, जबरदस्त। और दूसरी बात ये है कि मेरा वेट, मेरा ख्याल जब से आपकी वीडियो में आ रहा हूँ 10 पाउंड बढ़ गया। क्या बात है, क्योंकि आपकी जितनी भी रेसिपी है सारी ट्राई कर रहा हूँ मैं, माशाल्लाह जी। और बेगम मेरी जो है ना वो घर से निकालने वाली है, तो कह रही है जितनी वीडियो जो आप देखते हो रेसिपी वो मुझे बनानी पड़ती है। क्या और बात आप है? खाने से हटते नहीं है। क्या बात, इसका मतलब कि रेसिपी अच्छी बन रही है मरियम की। अच्छी है ये भी, बहुत अच्छी है आइसक्रीम, जबरदस्त। तो ये केक जो आपने बनाया माशाल्लाह बाजी व्यूअर्स, तो आपने सुन लिया है कमेंट के माशाल्लाह से आइसक्रीम केक जो है सैंडविच बहुत अच्छा बना है। एक और चीज है, सॉरी, तारा मसूर क्या है जी, वो भी हमने बनाया है, आपने बनाई है रेसिपी, वो भी बहुत अच्छा है। तो मेड इन FNH, क्या बात है, हाँ जी, क्या बहुत बात? अच्छा जानी के जजाक अच्छा बनाया बाजी व्यूअर्स, आपने ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे आगाह करना है। जजाक अल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हैरोफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत बला और तकलीफ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच आइसक्रीम केक, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और माशाल्लाह से बच्चे और बड़े दोनों ही इसको बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन इसमें आपने ये करना है कि आइसक्रीम केक चूंकि हमने बनाना है तो आइसक्रीम बहुत जल्दी जो है मेल्ट हो जाती है, इसलिए आपने इसको बहुत क्विकली और इसको जल्दी जल्दी आपने इसको वर्क को डन करना है। यहाँ पे आइसक्रीम सैंडविच आइसक्रीम केक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत है वो हमने सब यहाँ पे रेडी रखी है। यहाँ पे हमने जो सैंडविच आइसक्रीम चूज़ किए हैं वो कुकीज क्रीम इसका फ्लेवर है, यहाँ पे हमारे पास व्हिप क्रीम है, यहाँ पे हमारे पास टू डिफरेंट किस्म के चॉकलेट सिरप हैं, एक चॉकलेट सिरप है और एक है हमारे पास कारमल सिरप। आप कौन सा भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, डार्क चॉकलेट। और यहाँ पे हमारे पास ओरियो कुकीज हैं जो हमने जिप्लॉक बैग में डाले हैं और उनको किसी हैमर की मदद से हमने उसको क्रश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इसको हम व्हिप क्रीम में मिक्स करेंगे ओरियो कुकीज को और हम आपको बताएंगे कि इसको किस स्टेप में हमने जाके इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास व्यूअर्स एक शीशे की जो है कि डिश है, ये आप देख सकते हैं। हम इस साइज जो डिश का है इसमें हम जो है कि सैंडविच आइसक्रीम केक जो है हम बनाएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हिप क्रीम लेंगे और सबसे पहले हम नीचे लगाएंगे व्हिप क्रीम की लेयर। अच्छी तरह से हम चारों कोनों को व्हिप क्रीम से हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से व्हिप क्रीम जो है वो चारों कोनों में पूरी डिश में अच्छे तरीके से हमने लगा दी है। अब इसके बाद हम करेंगे जो हमारे पास यहाँ पे सिरप पड़ा हुआ है चॉकलेट एंड कारमल, हम इसको इसके लेयर लगाएंगे। आप जिस अंदाज से भी चाहें इसका डिजाइन बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है और बहुत ही आसान सी डिश है। मेहमान अगर अचानक आ जाएं तो आप इसको फटाफट बना सकते हैं। और गर्मियों में मोस्टली बच्चों वाले घरों में आइसक्रीम हमेशा फ्रीजर में मौजूद होती है। अब यहाँ पे हम एक जो है लाइन इसकी लगाएंगे कारमल आइसक्रीम की, ये आप देख रहे हैं जी। तो व्यूअर्स इसके बाद हम सैंडविच आइसक्रीम जो है इसके बॉक्स को खोल लेते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने सैंडविच आइसक्रीम जो है उसको ओपन कर लिया है। अब हम एक लेयर अब इसकी बनाएंगे। इस तरह से हम सारी सैंडविच जो है इसमें लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो कुकीज हमने जिप लॉक बैग में डाल के क्रश की हुई थी
उसको हमने एक बाउल में डाला है और उसमें हमने ऐड की है व्हिप क्रीम और उसको हमने अच्छी तरह से जो है इसमें मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इसको हम करेंगे एक साइड पे। यहाँ पे हम एक लेयर फिर लगाएंगे चॉकलेट सिरप की। साथ ही एक लेयर लगाएंगे हम कार्मल सिरप की। और व्यूअर्स अब हम लगाएंगे व्हिप क्रीम कुकीज जो हमने मिक्स किया था उसकी एक लेयर हम लगाएंगे। अच्छे तरीके से चारों कोनों में हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो ये व्हिप क्रीम और ओरियो कुकीज की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिर सिरप लगाएंगे। चॉकलेट एंड कार्मल दोनों अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास जो आइसक्रीम है ट्विक्स आइसक्रीम ये भी हमने इसके ऊपर लगानी है। ये हम साइडों पे लगाएंगे इस तरह से ये आप देख रहे हैं। ये चारों तरफ हम लगा लेंगे। और अब व्यूअर्स हमारे पास जो सैंडविच आइसक्रीम बच गई थी वो भी हम इसके अंदर इस तरह से लगा लेंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे अब हमने एक और आइसक्रीम जो है स्नीकर आइसक्रीम बार है ये भी जो पहले हमने लगाई थी ट्विक्स की और अब स्नीकर की बार है। ये जो खाली जगह है यहाँ पे हम इनको भर देंगे अच्छे तरीके से ये देखिए इस तरह से ये देखें और एक यहाँ पे और ये व्यूअर्स हमारी आइसक्रीम जो है कि लेयर डन हो चुकी है। अब अगेन हम इसके ऊपर सिरप लगाएंगे इस तरह से देखें और साथ ही हम चॉकलेट का सिरप और अब लास्ट पर व्यूअर हम जो व्हिप क्रीम हमारे पास ओरियो वाली मिक्स की हुई थी हमने वो हम इसके ऊपर लास्ट लेयर लगाएंगे और इसको हम फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने व्हिप क्रीम की अच्छी तरीके से लेयर्स चारों तरफ हमें लगा दी है। अब इसके ऊपर हम फिर डालेंगे कार्मल सिरप और फिर साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सिरप और फिर इसको हम कर देंगे फ्रीज ताकि आइसक्रीम अच्छी तरीके से जो है दोबारा से जम जाए और लास्ट जो है इसका लुक हम आपको आइसक्रीम जब अच्छी तरीके से फ्रीजर में जम जाएगी तो हम लास्ट इसका लुक आपको दिखाएंगे। ये हमने कवर कर दिया है आइसक्रीम सैंडविच आइसक्रीम केक इसको हम रखने लगे हैं फ्रीजर। आइसक्रीम केक जो हमने बताया था सैंडविच आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और हम ट्राई कराएंगे अब्दुल रहीम जो है कि वो ट्राई करके बताएगा कि ये कैसी बनी है। तो चलते हैं अपने स्टेप की तरफ। जी तो हमारा सैंडविच आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुका है और माशाल्लाह से हमने इसको अब्दुल रहीम को प्लेट में डाल के दिया है और अब्दुल रहीम अब खा के बताएंगे कि सैंडविच आइसक्रीम कैसा बना। जी अब्दुल रहीम जरा ऊपर करें सर। सबसे अच्छा केक यही है, किसी और का केक मैंने अब कभी नहीं खाना। थैंक यू सो मच। चॉकलेट बेहतरीन है, कैरेमल भी बेहतरीन है, आइसक्रीम जो अंदर है वो भी बहुत मजेदार है। चलें फिर मेरे व्यूअर्स से कहें कि इसको ट्राई करें, इसको घर में ट्राई करें, फिर कमेंट्स और सब्सक्राइब कमेंट्स में बता दें कि कैसा है जी जी। और सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू सो मच अब्दुल रहीम। ओके अल्लाह हाफिज़।